हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सीईटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप थ्योरी से, जिसमें मेनली फोकस होगा बीएचयू, बीयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बाकी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें आएंगी आप देख सकते हैं इसमें। तो हम लोग सबसे पहले एक बात करेंगे ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी से जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, जैसे जनरेटर वगैरह से क्वेश्चन पूछ किया जाता है कि किसी भी ग्रुप में कोई साइक्लिक ग्रुप हो उसके कितने जनरेटर होंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको, और कितने नंबर आप सब ग्रुप होंगे। तो हम लोग दो की बात करेंगे, पहला तो ये है इलेक्ट्रिक जी जेड एन, इस जेड एन को आप ग्रुप ऑफ रिमाइंडर्स बोलते हैं। जेडीएन इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ रिमाइंडर्स, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस 0, 1, 2, 3, ……n-1, जिसमें जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, …n-1, ऑल दीज आर पॉसिबल रिमाइंडर्स व्हेन सेट ऑफ इंटीजर इज डिवाइडेड बाय n। जब सेट ऑफ इंटीजर को आप n से डिवाइड करते हैं तो कितने शेष आएंगे, जो शेष बचता है आप उसी को ही लिखते हैं। तो जब भी आप सेट ऑफ इंटीजर को इस जेड को एन से डिवाइड करेंगे तो जो पॉसिबल सेट ऑफ रिमाइंडर्स है वो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, …n-1 होगा, ठीक है ना। और इसे ही आप ऐसे भी लिखते हैं, दिस 0 बिलोंगिंग टू जेड एन इज कॉल्ड रेसिड्यू क्लास 0 modulo n, रेसिड्यू क्लास 0 modulo n। इसका मतलब यह हुआ कि ये क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। 0 जो है, इसका 0 वो सिंपली 0 नंबर नहीं है, इसका 0 एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट। इसमें इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट कंटेन होते हैं, लाइक दिस 0। आप इस 0 को 0 पार्ट से भी डिनोट कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स। इसमें वो सभी इंटीजर होंगे जिनको n से भाग देने पे शेष 0 बचता है, जिनको n से भाग देने पे शेष 0 बचता है वो सारे इंटीजर इसमें होंगे। तो इंटीजर लिखने की आप m इंटू एन सच दैट m बिलोंग्स टू जेड कर दीजिए, वो सारे इंटीजर आ जाएंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें इनफाइनिटली मेनी इंटीजर्स हैं, ठीक है। सिमिलरली वन बार और दिस वन, आप इसको लिख सकते हैं m इंटू एन प्लस वन सच दैट m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसका जो क्लास है, कोई भी एलिमेंट, इसका कोई भी एलिमेंट जो आप उठाएंगे सिंगल एलिमेंट, एक ही क्लास को रिप्रेजेंट करता है, विच इज ऑल्सो नोन एज रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो n। और हम लोग बात करेंगे अब इसके ग्रुप होने की। तो जेडियन इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, जेडियन इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, इट डज नॉट मैटर। जैसे ही आप जेडियन को ग्रुप कहेंगे तो आप क्लियर रहिए कि उसका ऑपरेशन डिफाइंड है। इसमें दो होगा, एडिशन मॉड्यूलो n की केस होगी, एडिशन मॉड्यूलो n और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। तो एडिशन मॉड्यूलो n में ये होता है कि जेडियन ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होता है, ग्रुप फॉर्म करता है व्हाटएवर बी n, आइदर प्राइम आर कंपोजिट। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में आप देखते हैं कि जैसे n कंपोजिट होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n ग्रुप नहीं फॉर्म करता है, कंपोजिट नंबर के। लेकिन जब कहा जाएगा कि जेडियन ग्रुप है, तो जेडियन अगर ग्रुप आप इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ये हमेशा साइक्लिक ग्रुप होगा। अब किसी भी साइक्लिक ग्रुप के लिए कितने जनरेटर होंगे, हम लोग उसकी बात करते हैं। और फाइनाइट ऑर्डर का आप लिखेंगे एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर से एन, ऑर्डर को आप ले लेते से एन, इज आइसोमॉर्फिक टू जेडियन।
तो ग्रुप की कैटेगरी दो तरीके की होती है साइक्लिक की। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो या तो जेड के आइसोमॉर्फिक होगा इनफाइनाइट है, तो अगर फाइनाइट है तो जेड एन के आइसोमॉर्फिक होगा, क्लियर हो रहा है ना आपको। अगर साइक्लिक है इनफाइनाइट साइक्लिक है तो जेड के आइसोमॉर्फिक होगा, और अगर फाइनाइट साइक्लिक है तो जेड एन के आइसोमॉर्फिक होगा। तो अगर कहा जाए कि ग्रुप साइक्लिक है तो आप दो ही जगहों पर भाग दिया जाएगा, या तो जेड एन के साथ जाएगा या फिर सीधे जेड के साथ जाएगा, और जेड के साथ तब जाएगा जब वो इनफाइनाइट हो साइक्लिक, और जेड एन के साथ तब जाएगा जब फाइनाइट साइक्लिक हो। अब फाइनाइट साइक्लिक है तो इसके जनरेटर कैसे हम लोग निकालेंगे उसको आप देखिएगा कि इफ जी ऑर्डर ऑफ जी इज एन एंड जी इज साइक्लिक देन number of generators of G, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनके हेल्प से हम कैपिटल जी के सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। ऐसे कितने एलिमेंट हैं जनरेटर, वैसे ही आप जैसे नहीं कर किसी घर में चार लोग हैं और उस घर की मान लीजिए एक्सपेंडिचर 5 लाख की है, 5 लाख हर महीने उस घर में खर्च होती है, बट चारों मिलकर के 5 लाख कमा पाते हैं, ठीक है ना। उसमें से कोई ऐसा नहीं जो अकेले 5 लाख कमाता हो, ऐसे केस में वो साइक्लिक नहीं होगा। तो साइक्लिक तब होगा जब उसमें कम से कम एक ऐसा कोई हो जो उस पूरे एक्सपेंडिचर को वहन कर लेता हो। मीन्स इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन अ ग्रुप जी सच दैट that group is generated by that single element, then we say that group is cyclic group. और इसको define किया गया अलग अलग तरीके से, बट अगर finite group को cyclic होने की बात करें और इसके generator की बात करेंगे तो this is given by number of generators of G is equal to phi of n. और phi of n क्या है आप देखिएगा, phi of n phi of n is consist of all those small k who GCD with n is 1. इसमें वो सभी k रखे जाएंगे such that GCD of k comma n is 1 and restriction क्या है 1 less or equal to k is little less than this n. वो n से छोटा होना चाहिए। वो सारे फिर नंबर को काउंट करता है कितने होंगे, तो ये सारे नंबर हुए फॉर एग्जाम्पल phi of 10 की बात की जाए कि phi of 10 कितना होगा, तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं और 10 के साथ उनका जीसीडी 1 आता है, तो ऐसे कितने नंबर जो 10 से छोटे और 10 के साथ जीसीडी 1 आता है, ये नंबर होंगे 1, 3, 7 और 9, ऐसे 4 नंबर। तो ऐसे 4 मीन्स इस के लिए वो सारे 1, 3, 7, 9 ऐसे 4 हैं जिनका जीसीडी 10 के साथ बनाता है। तो अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जाम्पल फाइंड जनरेटर्स ऑफ Z10, तो Z10 के जनरेटर Z10 जब भी आप लिखेंगे तो हमेशा साइक्लिक होगा। तो Z10 के जनरेटर की अगर आप बात करते हैं तो उस केस में आ जाएगा दिस इज phi 10 और phi 10 की वैल्यू 4 आएगी क्योंकि 1, 2, 3, 4 होगा। और जनरेटर्स इसके पूछे नहीं जाते आपसे जनरेटर्स कौन कौन है, पर जनरेटर्स होगा 1, 3, 7, 9 जिसका जिसे भी इसके साथ बनाता है। अभी तो है कि ये छोटा नंबर है तो आप काउंट कर लेंगे, तो आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं इसके लिए कि 5p अगर p प्राइम है तो कितना होगा, या n प्राइम है तो phi of n ये when n is prime is phi of n is n minus 1, फिर की संख्या n minus 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल phi of 5 is 5 minus 1 4, तो Z5 this implies Z5 has 4 generators
four generators. Similarly, Z7 adds 7 minus 1, 6 generators. ये cyclic group में सभी के सभी. अब जैसे हम लोग बात करें कि when n is p into q type, where n is product of two primes, means p into q. तो अगर कंपोजिट ऐसा आता है तो phi of n is phi of p into phi of q, और चूंकि prime है तो p minus 1 into q minus 1. फॉर एग्जाम्पल phi of 10 को आप लिख सकते हैं phi of 2 into phi of 5, 2 means 1 into 5 means 4. Phi of 2, 2 minus 1 into 1. Phi of 5, 5 minus 1 is 4. तो इसीलिए phi 10 की वैल्यू 4 आ रही है. मीन्स ऐसे चार नंबर हैं, ऐसे चार नेचुरल नंबर हैं जो 1 से बड़े हैं और जिनका जैसे एन से छोटे, मीन्स 10 से छोटे, जिनका जैसे रिटेन के साथ चार. क्लियर हो रहा है आपको? अच्छा, अब आप जिसे इस पर और भी आगे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन जो है पी पावर आर टाइप का हो, वेयर पी इज प्राइम. अगर पी प्राइम हो देन फाई ऑफ एन इज फाई ऑफ पी पावर आर. दिस इज पी पावर आर माइनस पी पावर आर माइनस वन. फॉर एग्जाम्पल Z15 या Z25, टू फाइंड नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Z25. Z25 के कितने जनरेटर्स होंगे, इसके लिए क्या करें, 5 का स्क्वायर होगा. P इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर, एंड हम लोग लिख सकते हैं इसको नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Z25 इज फाइव ऑफ 25, फाइव ऑफ 5 स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर. पी स्क्वायर या पी प्राइम नंबर, एंड दिस इज योर 5 पावर 2 माइनस 5 पावर 2 माइनस 1, दैट इज 5 पावर 2 माइनस 5 मीन्स 20. तो Z25 के पास 20 जनरेटर्स. तो आप ऐसे जनरेटर इसके निकाल सकते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप के, कितने जनरेटर होंगे आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा है कि Zn, इस Zn के नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Zn के पास कितने सब ग्रुप होंगे इसको भी देख सकते हो. सिंस Zn इज साइक्लिक ग्रुप, Zn इज साइक्लिक ग्रुप, तो फॉर ईच, दिस इंप्लाइज फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर, फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर डी ऑफ एन. पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात हो रही है क्योंकि जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है टिल डेट, अभी तक मैथमेटिक्स में जो यूक्लिड्स पॉजिटिव डिवीजन एल्गोरिथम है वो निगेटिवली काम नहीं करता. जिससे आप डिवाइड करते हो निगेटिव नहीं होता, यूक्लिड्स पॉजिटिव डिवीजन एल्गोरिथम. जिससे आप डिवाइड करते हैं हमेशा वो पॉजिटिव होता है. तो अगर इनकेस नहीं लिखा जाए कि ये पॉजिटिव डिवाइजर है तो भी आप इसको पॉजिटिव डिवाइजर की तरह ही ट्रीट करेंगे. क्लियर? ओके. तो फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर टी ऑफ एन, Zn हैज एज यूनिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर डी. यूनिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर डी मीन्स अगर डी जो है एन को डिवाइड कर रहा है तो डी ऑर्डर का एक ही सबग्रुप होगा, और ऐसे जितने भी डी हैं सबके लिए एक ही सबग्रुप मिलेगा जितने भी डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल Z30 के लिए, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात हम लोग कर रहे हैं, Z30 के लिए जो 30 के डिवाइजर है कौन कौन डिवाइड करेगा, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. 1, 2, 3,
5, 6, 10, 13, 15 and 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसके 8 डिवाइजर है टोटल, 30 के 8 डिवाइजर है, तो दिस इंप्लाइज दैट ये 30 हैज 8 सब, और ये सभी डिस्टिंक्ट होंगे, सब अलग अलग ऑर्डर के हैं, एक वन ऑर्डर का है, टू ऑर्डर, थ्री ऑर्डर, 5, 6, 10, 15, 30 इसी ऑर्डर के इसके पास सब होंगे, क्लियर हो रहा है आपको? एकदम आप पूरे होके समझिएगा, कोई ऑर्डर नहीं, क्योंकि यहाँ ये मोस्ट वांटेड टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन या तो नंबर आप सबग्रुप से पूछ लिया जाएगा या तो फिर उसके नंबर आप जनरेटर से पूछते हैं, और ZN is always cyclic, if ZN is group then ZN is always cyclic whatever the n, अगर ZN को आपने ग्रुप कह दिया है तो ZN हमेशा cyclic होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? तो इसके पास 8 सबग्रुप होंगे, बट अगर ऐसा हो जाए कि n की संख्या पर n बड़ा नंबर हो जाए, जिससे बड़ा होगा तो फिर आप कैसे इसको ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ZN, इसमें स्टेप वन ये लेते हैं कि फैक्टराइज n एज प्राइम पावर, इसको प्राइम पावर में आप फैक्टराइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल से n इज p1 पावर अल्फा 1, p2 पावर अल्फा 2, pr पावर अल्फा r, वेयर pi's आर डिस्टिंक प्राइम, दीज आर डिस्टिंक प्राइम, वेयर pi's आर डिस्टिंक प्राइम मींस अल्फा 1, अल्फा 2, डॉट अल्फा r, ये सेम हो सकते हैं, हो सकता है कि अल्फा 2 की वैल्यू अल्फा r के बराबर हो जाए, अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 के बराबर हो जाए, लेकिन ये जो p1 p2 है pr, ये सब डिस्टिंक प्राइम होने चाहिए, इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं कि सेम हो जाए, वेयर दीज आर डिस्टिंक प्राइम, देन नंबर ऑफ सबग्रुप मींस टोटल सबग्रुप की बात करें, जिसमें आइडेंटिटी भी है वो ग्रुप खुद, एवरी ग्रुप इस सबग्रुप ऑफ इटसेल्फ, खुद का सबग्रुप होता है, यहां पे भी आप क्लियर रहेंगे, देन नंबर ऑफ सबग्रुप इज अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1, डॉट अल्फा आर प्लस 1, इतने सबग्रुप होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये, लेकिन ये फार्मूला आप तभी यूज करेंगे जब साइक्लिक ग्रुप की बात हो, सबग्रुप ऑफ ZN आर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, किसी भी n ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप की आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल देखिए Z30 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मार्कर 30 को आप लिखेंगे 2 × 15 मीन्स 2 × 3 × 5 लिखा आपको, और 2 power 1, 3 power 1, 5 power 1, तो अल्फा 1 इज 1, अल्फा 2 इज 1, अल्फा 3 इज 1, ये कोइंसिडेंस है, ये सब के सब 1 ही होंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि हमेशा 1 ही आएगा सारा, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z30 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, दिस इज 2 × 2 × 2 एंड 8, और आपने इसको कैलकुलेट भी किया था कि इसके कितने डिवाइजर्स होंगे, तो आपने देखा कि जो Z30 है 30 का डिवाइजर 1 था, 2 था, 3 था, 5, 6, 10, 15 एंड 30 टोटल 8 डिवाइजर्स थे, तो कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, साइक्लिक केस में मत लगाइएगा, अगर किसी केस में नहीं, तो ZN से आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा इसके क्वेश्चन जो ZN पे बनता है वो बन जाएगा, कितने एलिमेंट हैं इन ZN, ठीक है ना? ZN किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं इन ZN, इफ k डिवाइड्स n देन ZN हैज
फाइव के एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के, के ऑर्डर का फाइव के एलिमेंट्स होगा इसके पास। तो अगर लिखने सर कि के डिवाइड्स एन, देन जेडन हैज फाइव के एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के, के ऑर्डर का फाइव के एलिमेंट्स होगा, क्लियर है। तो आप ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल जेड 30, हम लोग इसी की बात करते हैं। अब जो 30 है, के इज वन, तो फाइव वन इज वन, तो जेड 30 हैज वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन, के इज टू, फाइव टू वन, जेड 30 हैज वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, के इज थ्री, इसके डिवाइजर की बात हो रही है, फाइव थ्री, थ्री प्राइम है, थ्री माइनस वन दैट इज टू, जेड 30 हैज टू एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री, के इज फाइव, फाइव फाइव इज फोर, जेड 30 हैज फोर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर फाइव। अब सिमिलरली आप इसकी बात करिए, के इज सिक्स, जेड 30 हैज फाइव सिक्स, फाइव सिक्स की वैल्यू टू आएगी, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर सिक्स, के इज टेन, क्योंकि सिक्स के बाद वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स के बाद टेन आएगा, जेड 30 हैज फाइव टेन, फाइव टेन की वैल्यू फोर आएगी, आपने लिखा था फाइव टेन नीचे फाइव टू इंटू फाइव ऑफ फाइव, तो दिस इज फोर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टेन, के इज 15, जेड 30 हैज फाइव 15, फाइव 15 का वैल्यू एट हो जाएगा, एट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15, एंड के इज 30, जेड 30 हैज फाइव 30, फाइव 30 की वैल्यू हो जाएगी टू इंटू थ्री इंटू फाइव, टू इंटू वन, फाइव टू वन, फाइव थ्री टू, फाइव फाइव, दिस दिस इज एट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 30। तो आप ऐसे बता सकते हैं कितने एलिमेंट रहे, तो वन वन टू टू फोर फोर एट, एट टेन, टेन दिस 26 एंड फोर 30, टोटल 30 एलिमेंट आ गए। तो किसी भी साइक्लिक को ये साइक्लिक नहीं यूज करता, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा, है ना। तो ऐसा आप गलत मत मान लीजिएगा कि हम कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, क्यों साइक्लिक नहीं होगा। तो अगर साइक्लिक ग्रुप के लिए नंबर ऑफ सब ग्रुप की बात हो, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो, नंबर ऑफ जनरेटर की बात हो, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं।